खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर, आईएएस विजय दहिया और जयवीर आर्या को बड़ी राहत, पंचकुला अदालत से दोनों को जमानत मिली है। रिश्वतखोरी के मामले में एसीबी ने गिरफ्तारी की थी, वकीलों ने दी झूठे केस में फंसाने की दलील। विजय दहिया पर रिश्वत लेकर पुराने बिल मंजूर करवाने का आरोप है। आर्या पर कर्मचारी के तबादले के बदले रिश्वत लेने का आरोप है। तो ये बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं। अब देखिए, कुछ आर्य पर कर्मचारी के तबादले के बदले रिश्वत लेने का आरोप है और आईएएस विजय दहिया और जयवीर आर्या को बड़ी राहत, पंचकुला अदालत से दोनों को जमानत मिली है। तो ये बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं। तो आईएएस विजय दहिया और जयवीर आर्या को बड़ी राहत मिली है और मेरे सहयोगी गुलशन जुड़ गई हैं। गुलशन, आईएएस विजय दहिया और जयवीर आर्या को बड़ी राहत मिली है पंचकुला अदालत से। सबसे पहले तो आप दर्शकों को ये बताइए कि मामला कब का है और क्या क्या आरोप इन पर लगे थे। देखिए साधना, बिल्कुल, अगर हरियाणा के सीनियर आईएएस विजय दहिया की बात करें तो विजय दहिया पर आरोप थे कि उन्होंने हरियाणा कौशल विकास मिशन में पुराने बिल मंजूर करवाने के बदले में एक महिला है जिनका नाम जो है पूनम था, पूनम चोपड़ा, उनके जरिए रिश्वत लेने का आरोप था और उस मामले में ही इनको रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तो वहीं अगर जयवीर आर्य की बात करें, जयवीर आर्य को एक कर्मचारी का तबादला करने के बदले में एक प्राइवेट व्यक्ति के जरिए रिश्वत लेने का आरोप था। तो दोनों के खिलाफ जो है रिश्वत लेने का आरोप था और इस मामले में जो विजय दहिया और जयवीर आर्य के जो वकीलों ने पंचकुला अदालत में जो दलील दी थी कि इस पूरे मामले में दोनों अफसरों को जो है फंसाया जा रहा है, दोनों अफसरों को झूठे केस में फंसाया गया है और दोनों से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। जब विजय दहिया के बारे में वकील ने जो दलील दी थी कि उनके पास कुछ भी रिकवर नहीं हुआ है, इसलिए पंचकुला की अदालत ने 28 नवंबर को दोनों की जमानत अर्जी जो है वो स्वीकार करने का फैसला सुनाया है और ये इन दोनों मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने ही दोनों मामले में केस दर्ज किया था जिसमें विजय दहिया और जयवीर आर्य पर एक ही तरीके से भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत ये केस दर्ज किया गया था। जब इनकी गिरफ्तारी हुई थी तो जो एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो पूनम चोपड़ा को रंगे हाथों पहले गिरफ्तार किया था, तो जिस दिन उन्हें गिरफ्तार किया था उसी दिन एंटी करप्शन ब्यूरो जो ब्यूरो है उसी दिन उन्होंने विजय दहिया को भी वो अपने साथ ले गए थे और उन्हें देर रात हालांकि छोड़ दिया था क्योंकि ये काफी हाई प्रोफाइल मामला था। दोनों जो आईएएस अफसर है वो सीनियर आईएएस अफसर है, एक का नाम विजय दहिया है जबकि दूसरे का नाम जयवीर आर्य है। हालांकि अब दोनों को पंचकुला अदालत ने जमानत जरूर दे दी है लेकिन वहीं जिन आरोपियों को इस मामले में पहले गिरफ्तार किया था, एंटी करप्शन ब्यूरो ने विजय दहिया को जो गिरफ्तार किया था उसमें हरियाणा कौशल विकास मिशन में पुराने बिल मंजूर करवाने के बदले में पहले एक पूनम चोपड़ा महिला को रिश्वत देते हुए गिरफ्तार किया था। जब पूनम चोपड़ा ने बताया था कि जो ये पैसा रिश्वत का ले रहे हैं वो विजय दहिया के नाम का ले रही है, तब एंटी करप्शन ने ब्यूरो ने विजय दहिया के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की थी। अब दोनों को बड़ी राहत जरूर मिली है लेकिन राहत मिलने के बाद अगला जो फैसला है वो हाईकोर्ट का क्या रहता है, क्योंकि अब ये मामला हाईकोर्ट में जरूर जाएगा और ऐसे में एंटी करप्शन ब्यूरो ने जब दो इन बड़े आईएएस ऑफिसरों को गिरफ्तार किया था तो बताया जा रहा था कि कई अन्य ऑफिसर भी इस समय एंटी करप्शन ब्यूरो की रडार पर है। बिल्कुल गुलशन, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए।